तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से सीख जाएंगे कि एमएस वर्ड में टाइप की गई एमसीक्यूज को आप पावर पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, उसके बाद दोस्तों उसमें आप क्वेश्चन को टाइप करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको एक चीज और करना है, वो ये करना है कि इसके बीच में, ठीक है, यानी कि दो सेंटेंस के बीच में आपको गैप नहीं रखना है। ठीक है, टाइपिंग करते समय ही दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस के बीच में आपको गैप नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, पहला एक सवाल है और दूसरा जो है हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा सवाल है उसको जो है हेडलाइन वन करेंगे और जो ऑप्शन है उसको हेडलाइन टू करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से, और फिर दोस्तों मैं कंट्रोल को दबा के रखूँगा और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारा दूसरा सवाल है तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी कि कंट्रोल को छोड़ देंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे, फिर कंट्रोल को दबाएंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल को छोड़ देंगे, फिर माउस को यहाँ लेकर के आएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर माउस का जो पहिया है उसको नीचे घुमाएंगे, ठीक है, अपनी तरफ घुमाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग कंट्रोल को दबाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि सवाल सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप पहले क्या करेंगे, सवाल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ठीक है, और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग वन अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बच जाता है, जो भी ऑप्शन है वो सारी चीज़ें बच जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सेम फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जैसे दोस्तों ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हेडिंग टू अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप हेडिंग टू अप्लाई कर देंगे। जब दोस्तों इतना हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कहीं पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आप यहाँ से फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से दोस्तों मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 28। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं गर्गी फॉन्ट अप्लाई कर रहा हूँ, आप जो फॉन्ट पसंद करते हैं वो फॉन्ट दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेटिक ही करना है, आप अपने पसंद का कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक किया है, आपको जो कलर पसंद हो वो कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जब दोस्तों आप कंटेंट टाइपिंग करने के बाद और जो सेटिंग मैंने आपको बताया है उसके बाद आप जब ये सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप इसे कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, एमएस वर्ड की फाइल रेडी कर लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड की फाइल रेडी किया है, इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। चलिए, इतना हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ले लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। जब दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन, आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज, ठीक है, आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने पीसी के अंदर चले जाएंगे, अपने ड्राइव में चले जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों आपने एमएस वर्ड की जो डॉक्यूमेंट्स बनाई है वो किस फोल्डर में बनाई है, आप उस फोल्डर में जाएंगे। आपको पता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो डेस्कटॉप पे बनाया है, तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो फाइल है यानी कि वो जो हमारा एमएस वर्ड का फाइल है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर हम लोग यहाँ पे ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एमएस पावर पॉइंट की फाइल ही दिखेगी, जो हमने एमएस पावर पॉइंट की फाइल डेस्कटॉप पे बना के रखी है सिर्फ वही दिखेगा। लेकिन दोस्तों जब हम लोग यहाँ क्लिक करके यहाँ से कर देंगे ऑल फाइल, जैसे ही ऑल फाइल करेंगे तो दोस्तों हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल होगा, किसी भी तरह का फाइल होगा, वो सारे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से ऑल फाइल कर दिया तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स दिखने लग गया है, ठीक है। यानी कि हमने जो एमएस वर्ड की फाइल बनाई है वो यहाँ पे दिखने लग गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारा डाटा हमारा जो है पावर पॉइंट में आ गया है। इतना ही दोस्तों बस आपको करना है और इस तरह से दोस्तों आपका जो है स्लाइड तैयार हो जाएगा। जब दोस्तों आपका स्लाइड तैयार हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है। डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना थीम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना थीम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है, तो इस तरह से सभी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा रिसेट बटन, आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना करते ही दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसका कलर वगैरह भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूँगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये थोड़ा सा ऊपर है, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से लेकर के आएंगे। बस इतना ही दोस्तों हमें करना है। और अगर इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो, इसकी साइज वगैरह बढ़ाना हो, तो दोस्तों आप यहां से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद होम टैब में जाएंगे और यहां से दोस्तों इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो है इसका एक हेडलाइन देंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, और यहां से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और यहां पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे टॉप 10 इम्पॉर्टेंट MCQs। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना चाहें इस तरह से आप लिख लेंगे और देन दोस्तों हम लोग सेव फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर कर देंगे। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, बस आपका PPT बनके रेडी हो जाता है। अब आपको लास्ट में एक काम और करना है कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि जब आप स्लाइड मास्टर में रहेंगे तो आपको ये बटन दिखेगा क्लोज मास्टर व्यू, आपको क्लोज मास्टर व्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच में जो है गैप नहीं है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में आएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हम लोग होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से लाइनिंग स्पेस में आएंगे और लाइनिंग स्पेस में आने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 लाइनिंग स्पेस दे देंगे। 1.5 बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप यहाँ से अगर 1.0 भी दे देंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें दिखने लग जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, स्लाइड मास्टर में जाना है और क्लोज मास्टर व्यू कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग रिसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बस हमारा ये जो है PPT डिजाइन हो जाएगा। एक चीज़ और आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कि ये जो डिजाइन है, ये नीचे जो डिजाइन वगैरह है, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप जो है अपने लिए, यानी कि आपका जो भी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, आप अपने चैनल के लिए जो है ब्रांडिंग थीम बना लीजिए, यानी कि इसमें आपका चैनल का लोगो रहेगा, यहाँ पे आपके चैनल का नाम रहेगा, आपका जो भी स्लोगन वगैरह है वो सारी चीज़ें रहेगी और यहाँ पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। जब आप एक बार ये ब्रांडिंग थीम बना लेते हैं तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें आपको बार बार डिजाइन नहीं करना पड़ता है। बस आपको क्या करना होता है,
आपको बस डिजाइन टैब पे क्लिक करना होता है और देन आपको यहाँ से इस थीम को अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि इस थीम को कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों आप बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है कि हम इस तरह का थीम कैसे बनाएं तो वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देख करके आप इस तरह का थीम क्रिएट करना सीख सकते हैं। जब दोस्तों ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएगा, जब आपका ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से इस स्लाइड को प्ले करना है और देन दोस्तों आप इसके ऊपर लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं। और इस पर लिख लिख करके कैसे पढ़ाना है, कैसे इसे रिकॉर्ड करना है, कैसे MP4 वीडियो बनाना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी सिखा दिया है, बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखना है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर @techmitra चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।